हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मूवी NH10। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मीरा और अर्जुन नाम के एक मैरिड कपल से। दोनों एक जगह पार्टी में गए थे, तभी मीरा को एक कॉल आता है। ये कॉल उसके ऑफिस से था और उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम से वहाँ जाना था। अब अर्जुन मीरा से कहता है कि वो भी उसके साथ आएगा, लेकिन मीरा उसे समझाती है कि वो अकेले जाकर काम खत्म कर देगी। जिसके बाद मीरा अपनी कार से ऑफिस जाने के लिए निकलती है। काफी रात हो चुकी थी इसलिए रोड पर भी ज्यादा कोई नहीं था। तभी मीरा के पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वो उसे कार रोकने के लिए कहने लगते हैं। अब ये देखकर मीरा काफी डर जाती है, लेकिन वो गुंडे उसकी कार के ग्लास तोड़ देते हैं, जिससे मीरा और ज्यादा डर गई थी। लेकिन मीरा अपनी कार नहीं रोकती और वहां से निकल आती है। अब मीरा वहां से निकल तो आई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए अर्जुन और मीरा दूसरे दिन जाकर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि उस रोड पर इस तरह के हादसे काफी टाइम हो चुके हैं, इसलिए उन्हें अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गन अपने पास रखनी चाहिए। अब ये सुनकर मीरा और अर्जुन यही सोचने लगते हैं कि उन्हें गन लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देगा, अगर गन मिल गई तो उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जो बार बार उसी हादसे को याद कर रही थी। मीरा जितना उसे भूलने की कोशिश करती उसे वही सब याद आता, जिसकी वजह से वो काफी गुमसुम रहने लगी थी। अब कुछ टाइम बाद ही मीरा का बर्थडे आने वाला था, इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो मीरा को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाएगा, जिससे मीरा का मूड भी ठीक हो जाएगा। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और वो दोनों अपने ट्रिप के लिए निकलते हैं। अब तक मीरा के पास उसकी गन भी आ गई थी। दोनों ही काफी खुश थे और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी, लेकिन मीरा अभी तक उस बात को भूल नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो लोग एक ढाबे पर रुकते हैं, तभी मीरा वॉशरूम जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है, वहां पर एक पिंकी नाम की लड़की आती है और मीरा से कहने लगती है कि वो उसकी मदद करे, उसकी जान खतरे में है। लेकिन मीरा पहले ही इस सब से गुजर रही थी, इसलिए वो पिंकी को मना कर देती है, क्योंकि मीरा अब किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। जिसके बाद मीरा और अर्जुन जब नाश्ता कर रहे थे, तभी वो देखते हैं कि उस पिंकी नाम की लड़की को और उसके पति को कुछ गुंडे मार रहे थे। वहां पर काफी सारे लोग भी थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने के लिए नहीं जाता। ये जब अर्जुन देखता है तो वो जाकर उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि पिंकी उसकी बहन है और ये उनके घर का मामला है, इसलिए कोई भी इसमें इंटरफेयर ना करे। अब ये सुनकर अर्जुन को गुस्सा आता है, क्योंकि सत बिरजो की पिंकी का भाई है, वो पिंकी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। इसलिए अर्जुन फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो सतबीर उसे सबके सामने थप्पड़ मार देता है, जिसके बाद सतबीर पिंकी और उसके पति को लेकर वहां से चला जाता है। अब अर्जुन को ये सब काफी इंसल्टिंग फील हो रहा था, क्योंकि सतबीर ने उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था। मीरा अर्जुन को समझाती है कि वो इस बात को इग्नोर करे और अपनी ट्रिप पर फोकस करे, लेकिन अर्जुन काफी ज्यादा गुस्से में था। मीरा उसे कहती है कि अगर वो गुस्से में रहने वाला है तो वो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देंगे, लेकिन अर्जुन उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी वो देखता है कि सतबीर और उसके लोग एक सुनसान रास्ते पर जा रहे थे। अब अर्जुन जैसे ये देखता है वो उनके पीछे जाने लगता है। अर्जुन के पास गन थी इसलिए वो काफी बेखौफ था। मीरा उसे समझा रही थी कि वो उन्हें फॉलो ना करें, वो किसी और की प्रॉब्लम है और उन्हें अपने ट्रिप पर फोकस करना चाहिए, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सतबीर की कार एक जगह पर रुक गई थी, इसलिए अर्जुन भी वहां रुक जाता है और उन्हें देखने के लिए जाने लगता है। मीरा उसे अभी भी समझा रही थी कि वो दोनों यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता और गन लेकर उन्हें चुप कर देखने लगता है। तब वो देखता है कि सतबीर और उसके आदमी पिंकी और उसके पति को जबरदस्ती जहर खिला रहे थे। ये देखकर अर्जुन काफी शॉक था। उनकी बातों से अर्जुन को पता चलता है कि पिंकी ने एक दूसरे कास्ट के लड़के से शादी की थी और इसी वजह से उसका भाई सतबीर उसे और उसके पति को जहर खिलाकर मार देता है। जब अर्जुन ये देखता है तो वो समझ जाता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए वो वहां से निकलने की सोचता है, लेकिन वो लोग उसे देख लेते हैं। तभी हम मीरा को देखते हैं जो अपने कार में बैठकर अर्जुन का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और मीरा को परेशान करने लगता है, इससे मीरा काफी डर जाती है और अर्जुन को ढूंढने आती है। लेकिन तब तक इन लोगों को पता चल गया था कि अर्जुन ने उन्हें पिंकी और उसके पति को मारते हुए देख लिया है, इसलिए वो लोग अर्जुन पर हमला करते हैं, जिससे अर्जुन की गन भी गिर जाती है। अब अर्जुन उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि उन्हें यहाँ से जाने दे, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा, लेकिन वो लोग उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तभी वो लोग देखते हैं कि पिंकी अभी जिंदा थी और ये देखकर सतबीर उसे गोली मार देता है। मीरा जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है।
तभी वो देखती है कि उसकी गन वहीं पर पड़ी थी जो उसी आदमी के पास थी जो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। मीरा उससे प्यार से बात करके गन मांगती है, लेकिन वो आदमी उससे कार की कीज मांगता है। अर्जुन उसे कीज दे देता है, जिसके बाद वो गन मीरा को दे देता है। अब गन हाथ में आते ही अर्जुन उन सबको डराने लगता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पागल आदमी उनके ऊपर हमला कर देता है और उसी चक्कर में गोली चल जाती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर ये सब लोग काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि अर्जुन और मीरा ने उनके एक साथी को मार दिया था और वो लोग इनका पीछा करने लगते हैं। अर्जुन किसी तरह से मीरा को लेकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि उनके पास अब कार की कीज भी नहीं थी, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किसी तरह से हाईवे पर चले जाएंगे, वहां से किसी न किसी की मदद ले लेंगे। लेकिन ये लोग भी उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता था कि उनके पास गन है, इसलिए वो लोग चुप चुप कर इनका पीछा कर रहे थे। अब अर्जुन और मीरा काफी तेज भागते हैं, लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली उनका पीछा कर रहे थे। अब काफी अंधेरा हो चुका था और उनसे भागते हुए मीरा और अर्जुन अलग हो जाते हैं। मीरा हाईवे तक पहुंच जाती है और कार को रोकने की कोशिश करती है ताकि उसे किसी की मदद मिले, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रुक रहा था। तो वही अर्जुन ने उन्हें डराने के चक्कर में अपनी गोली वेस्ट कर दी थी और उसके पास अब सिर्फ एक ही गोली बची थी। तभी उनके ग्रुप का एक आदमी अर्जुन पर हमला करता है और उसके पैर में चाकू मारता है। वो अर्जुन को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर मीरा आती है और उस आदमी को गोली मार देती है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अर्जुन के पैर में चाकू लगा था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहा था, इसलिए मीरा उसे एक ब्रिज के नीचे लेकर आती है और उसे अपना जैकेट दे देती है और अर्जुन से कहती है कि वो यहीं पर उसका इंतजार करे, वो किसी से मदद लेकर यहाँ पर आएगी। तभी अर्जुन देखता है कि 12 बजने वाले थे, इसलिए वो मीरा को हैप्पी बर्थडे विश करता है और ये सुनकर मीरा काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद मीरा वहां से निकलती है और सोचती है कि वो नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाएगी या अगर कोई गांव मिल गया तो वो वहां से हेल्प लेगी। जिसके बाद मीरा रोड पर आती है और एक कार को रोकती है। वो कार रुक भी जाती है, लेकिन उस कार में सभी लोग मर्द थे। ये देखकर मीरा काफी डर जाती है, क्योंकि अब तक उसके साथ जो भी हुआ था वो किसी आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए मीरा उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक छोटा सा पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। अब पुलिस स्टेशन देखकर मीरा को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वहां से उसे हेल्प मिल जाएगी। तो वहां पर एक पुलिस ऑफिसर था और वो मीरा की अपने सीनियर से बात करवाता है। मीरा सीनियर को सब कुछ बता रही थी, लेकिन वो पुलिस वाला उसका कॉल कट कर देता है और मीरा को समझाता है कि वो यहाँ से चली जाए, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अब ये सुनकर मीरा काफी शॉक थी, क्योंकि पुलिस वालों ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद मीरा वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो मीरा से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। अब ये सुनकर मीरा को थोड़ा सेफ फील होने लगता है और वो उस पुलिस ऑफिसर के साथ अर्जुन के पास आने लगती है। वो उससे बातें कर रही थी और बातों बातों में उसे पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसे अर्जुन के पास नहीं बल्कि उन लोगों के पास ले जा रहा था। तभी मीरा देखती है कि सामने से सतबीर और उसके गुंडे आ रहे थे। अब मीरा समझ चुकी थी कि ये लोग उसे पकड़ लेंगे। तभी मीरा को एक पेन दिखाई देता है और उस पेन से वो पुलिस वाले पर हमला कर देती है। वो उसे कार से बाहर निकालती है और खुद उसकी कार लेकर जाने लगती है। तो वही सतबीर के लोग भी मीरा का पीछा कर रहे थे। मीरा कार काफी तेज चला रही थी और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। मीरा की कार पलट जाती है, लेकिन मीरा किसी तरह से वहां से बाहर निकलती है और एक पत्थर के पास जाकर छुप जाती है, लेकिन वो लोग कंटिन्यूसली मीरा को ढूंढ रहे थे। मीरा उन सब की बातें सुनती है, जहां पर सतबीर का मामा उसे कह रहा था कि वो लड़की को बेच देंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। जब मीरा ये सुनती है तो वो समझ जाती है कि अगर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। जिसके बाद मीरा वहीं पर छुपी रहती है, लेकिन वो मामा उसे देख लेता है, लेकिन मीरा हार नहीं मानती और उनके ऊपर पत्थर फेंक कर वहां से भाग निकलती है। अब मीरा को एक छोटा सा घर मिलता है और मीरा वहां पर जाकर मदद मांगने लगती है, लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि जिन लोगों की वो बात कर रही है वो काफी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए मीरा को जाकर गांव के सरपंच से मदद मांगनी चाहिए, वो उसकी मदद जरूर करेगी। लेकिन तभी वहां पर गुंडे आते हैं, लेकिन ये लोग मीरा को छुपा देते हैं, जिसके बाद वो गुंडे वहां से चले जाते हैं और मीरा भी सरपंच का घर ढूंढने में निकल पड़ती है, क्योंकि अब सरपंच ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जिसके बाद मीरा किसी तरह से एक गांव में चली जाती है और वहां पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। एक्चुअली उस गांव के सभी लोग एक फंक्शन में गए थे, इसलिए पूरा गांव खाली था, लेकिन वो बच्चा सरपंच का पोता था और वो उसे अपने घर में लेकर जाता है। जिसके बाद सरपंच और उसकी बहू मिलकर मीरा का ख्याल रखने लगती है। मीरा उन्हें सब कुछ बता रही थी,
लेकिन सरपंच कोई भी बात सुन नहीं पाती क्योंकि उसने अपना कान का मशीन नहीं लगाया था, जिसकी वजह से वो मीरा की बात सुन नहीं पा रही थी। लेकिन सरपंच की बहू ने सारी बातें सुन ली थी और वो काफी डर गई थी। उसके पास ही सरपंच के कान का मशीन था लेकिन वो उसे नहीं दे रही थी। जब सरपंच ये देखती है तो वो अपनी बहू को थप्पड़ मारती है और कान का मशीन ले लेती है। अब मशीन लगाने के बाद सरपंच को सारी बातें सुनाई देती है और ये सुनने के बाद वो मीरा और अपनी बहू को एक रूम में लॉक करके बाहर जाती है। अब मीरा समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। तभी मीरा देखती है कि उस घर में पिंकी की फोटो थी। तभी वो बहू बताने लगती है कि पिंकी सरपंच की ही बेटी है, उसने दूसरे कास्ट में शादी कर ली थी, इसलिए सरपंच और उनके बेटे सदबीर ने मिलकर पिंकी को मार दिया। अब ये सुनकर मीरा समझ जाती है कि उसने यहाँ पर आकर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जो औरत अपनी बेटी को मार सकती है वो मीरा को भी मार सकती है। तो वही हम सरपंच को देखते हैं जो सतबीर को कॉल करके बुलाती है। जब सतबीर वहां पर आता है तो सरपंच उसे डांटने लगती है कि इन लोगों को कैसे पता चल गया, और अगर पता चल गया तो इन्हें भी खत्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही सतबीर मीरा को घर से बाहर लाता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगता है, जिसके बाद सरपंच सतबीर से कहती है कि वो अपनी वाइफ को भी पीटे, क्योंकि उसकी वाइफ भी मीरा को मदद करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद सतबीर अपनी वाइफ को पीटने लगता है तो वही सरपंच मीरा को मारने वाली थी कि तभी मीरा उसके हाथ पर काट लेती है और उसके पोते को पकड़ लेती है और उन्हें धमकाती है कि अगर वो लोग उसके करीब आए तो वो उनके पोते को कुएं में फेंक देगी। अब ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके खानदान के वारिस को अगर मीरा कुछ कर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। मीरा उनसे कार की कीस मांगती है और उन सबको घर के अंदर जाने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग वैसा ही करते हैं। तो मीरा उनकी बहू को बाहर से लॉक करने के लिए कहती है, जिसके बाद उनकी बहू ऐसा ही करती है और मीरा से कहती है कि वो जल्दी से यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर ये लोग बाहर आ गए तो इस बार वो मीरा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद मीरा वहाँ से कार लेकर निकलती है। अब मीरा काफी खुश थी क्योंकि फाइनली वो और अर्जुन वहाँ से निकलने वाले थे। मीरा तुरंत अर्जुन के पास जाती है ताकि वो उसे लेकर वहाँ से निकल सके, लेकिन जैसे वो अर्जुन के पास आती है वो देखती है कि उन लोगों ने अर्जुन को मार दिया था, और ये देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। मीरा वहाँ पर बहुत रोती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। तो वही हम सतबीर और उसके लोगों को देखते हैं जो मीरा को पकड़ने के लिए वापस घर से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मीरा उनके सामने थी। मीरा का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि अब उसे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि मीरा ने अपने पति को खो दिया था और अब वो उसका बदला लेने आई है। अब मीरा अपनी कार से सतबीर के एक साथी को कुचल देती है, जिसके बाद वो दूसरे के पीछे पड़ जाती है और उसे भी मार देती है, जिसके बाद सतबीर और उसका मामा बचाता। अब मीरा एक रॉड लेती है और उनका इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो दोनों वहां पर आते हैं तो मीरा उनके ऊपर रॉड से हमला करती है, जिसमें मामा की मौत हो जाती है। तो वही सतबीर अभी जिंदा था और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मीरा उसे तड़पा तड़पा कर मारने लगती है। तभी वहां पर सरपंच आती है और देखती है कि उसके बेटे की मौत हो गई थी। ये देखकर सरपंच काफी रोने लगती है और मीरा से कहती है कि उसकी बेटी ने दूसरे कास्ट में शादी करके गलती की थी, इसलिए उसे सजा देना जरूरी था। जिस पर मीरा भी कहती है कि इन्हें भी सजा देना जरूरी था और उसने दे दी। ये बोलकर मीरा वहां से निकल जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी NH10 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।